जो रियल लग रहा है बट ये आर्टिफिशियल है। ओह अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। यार ये व्लॉग भाई रोड पे ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब इस टाइम हम गाड़ी में बैठे हैं और अभी हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा के टॉप पर। भाई आज से पहले मैं कभी भी बुर्ज खलीफा के टॉप पे नहीं गया हूँ, फर्स्ट टाइम जाने लगा हूँ यार। और सुना है मेरे वहां से काफी ज्यादा अच्छा व्यू आता है। भाई कितने फ्लोर पे है यार वो जब ऊपर जाएंगे? मैंने भी नहीं पता। जब तीन बार आया और मैं नहीं गया तो इसका मतलब कि मेरा दिल नहीं था, बट सवा ने बोला कि भाई मैं आई हूँ तो मुझे तो घुमाओ। तो हम कब से फिर घूम ही रहे हैं यार, तो चलते हैं बुर्ज खलीफा। सो यस, आधे घंटे से घूम रहे थे तो अब जाके पार्किंग मिली हम। ये राउंड घुमा रहे। बुर्ज खलीफा के नीचे पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। ये तो अंदर दुबई मॉल आ गया, यहाँ पर लाइन लगी हुई है टिकट लेने के लिए और ये काफी छोटी लाइन है ना, मैंने वीडियोस में देखा तो वो सारा पूरा भरा होता था। टिकट मिल चुके हमें तीन। चलो जी फुल सिक्योरिटी में जा रहे हैं। एयरपोर्ट की तरह चेकिंग हो रही है यार यहाँ पर, तो कमाल की लाइनें लिखी हुई है यार, आप पढ़ सकते हो। चलो जी, अरे उल्टा नहीं जाना, सीधा जाना है गाइस। बहुत सारी वॉक है, देन उसके बाद ऊपर जाना है। ओ अभी तो हम बुर्ज खलीफा से बाहर है भाई गाइस, अभी तो हमें इसके अंदर ऊपर जाना। यार इतने सारे टीवी लगे हैं, मैं काश इस पे हमारा ब्लॉग चल रहा होता, मजा ही आ जाता। ये सारी बुर्ज खलीफा की देखो हिस्ट्री बता रहे हैं कि कब से बनाना शुरू किया था। 2004 से इन्होंने स्टार्ट लिया था, फिर देन 2005 में सुपर स्ट्रक्चर स्टार्टेड हुआ। लाइक यार ये लोग जो चीज करते हैं देन उसकी फिर हिस्ट्री भी बताते हैं कि भाई हमने इस तरह किया इस चीज को, क्या बात है। 2006 में लेवल 50 बन गया। हाँ हाँ हाँ, तो ये पैदा होने के बाद ही बना, हमारे पहले थोड़ी बना था। आपको लग रहा था आपसे पहले से बना, मैं कब से। हाँ भाई इन्होंने ये सबसे बहुत जल्दी सक्सेस की है बहुत कम टाइम में दुबई ने। 2007 में ही फिर 150 वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर बन गया था। 2009 के अंदर जो है वो पूरा कम्प्लीट हो गया। यहाँ पर रेस्ट रूम दिख गया है, क्या है वॉशरूम है या कोई लेटने वेटने की जगह भी है? नहीं सिर्फ वॉशरूम ही है भाई। चलो चलो चलो। सो गाइस लिफ्ट है ये जो हमें ऊपर लेके जाएगी बुर्ज खलीफा के। अब पता लगेगा हम कौन से फ्लोर पे जाएंगे। एंजॉय। दिल काट रही है। जो ऑक्सीजन कम होता है डायरेक्ट इसी ऊपर जाएंगे। 15 16 17 18 19 20 21 22। अरे कितनी स्पीड में गई है यार। 30 मेरे कान बंद गाइस, कान बंद। 60 64 65 66 67 68 69 अभी तो मेरी गिनती से भी ज्यादा तेज चल रही है। 100 फ्लोर से ज्यादा ऊपर आ गए। 123 Now we are on top। अभी जो व्यू मिलने वाला है ना वो बड़ा कमाल का मिलने वाला है। चलो चलो भाई, क्या बात है गाइस, सब नीचे वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग के ऊपर आ चुके हैं। जितनी बिल्डिंग है वो सारी इससे छोटी है। देखो ना थोड़ा आगे से, डरपोक इधर आके देखो ना। जो फाउंटेन जो हम देख रहे थे उस दिन सबसे पहले दिन देखा था, अभी तो कोई भी रश नहीं है, वरना यहाँ पर हम खड़े थे ना याद है वो नीचे ये लाइन से लोग खड़े होते हैं। हाँ फाउंटेन रात के टाइम थोड़ा स्टार्ट होता है। अच्छा। और ये जितना भी है ना ये पूरा दुबई मॉल है। करीब से देख देख रही हूँ ना आपको। माज नीचे देख के आपको चक, इधर आ जाओ मुझे तो कुछ देख दीजिए। नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा, शीशे लगे में ये अनब्रेकेबल है। नहीं मैं नहीं डरता भाई, ये दुबई ने इतनी बड़ी प्रोजेक्ट खड़ा किया हुआ है, ऐसे थोड़ी खड़ा कर दिया होगा कि कोई भी गिर जाएगा। इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, बहुत सेफ्टी। भालू भाई का दिल निकलने वाला है। आए देखो टेक भी लगाया मैंने। दुबई की सेफ्टी पे नो कॉम्प्रोमाइज, तो मुझे जब भी डर नहीं लग रहा। लोग नीचे अगर देखे ना यहाँ से तो उनको डर भी लग जाता है। यहाँ से पूरा दुबई दिखता है और ऊपर भी बिल्डिंग बची हुई देखो तो जरा। ये कितने फ्लोर बचे? अभी हम इस वक्त 124 फ्लोर पे, तो ये समथिंग 159 देख सकते हैं आप लोग गाइस। थोड़ा मैं दूर दूर से आपको दिखाऊंगी, इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी गाड़ियाँ लगी हुई। ये है दुबई मॉल, जो आपको यहाँ से थोड़ा बुरा लग रहा होगा, अंदर से काफी अच्छा है। पूरा व्यू दिख रहा है भाई, शेख जायद रोड का व्यू है ये वाला। और ये देखो क्या फ्लाईओवर्स पे फ्लाईओवर्स बने हुए एक साथ, देन उसके बाद ये बड़ी बिल्डिंग, वो जो पुराना दुबई है। सारे लोग जितने भी आते हैं यहाँ पर सिर्फ पिक्चर वीडियोस बनाने ही आते हैं, वो अपनी लाइफ की मेमोरी क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम अपने व्लॉग क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सो यस, क्या बात है, ब्रिलियंट। ये क्या है? दिल। दिल? ये कौन सा दिल है गाई? तो गाई सबा तो बस अपनी स्टोरीज में लगी हुई है और हम फिर अलग से एंजॉय करना पड़ता है हमें। हम अपने व्लॉग लेके बैठे हुए हैं। अभी भी देखो गाइस कितना सारा दुबई एम्प्टी पड़ा है, वो साइड और वो साइड। चलो चलो चलो, इधर से क्या है? 125। ये बोल रहे ऊपर से जाके नीचे जाओ, बस खत्म, बस यही था। एक ये साइड देख ली हमने, ऊपर पता नहीं कौन सी साइड है, तो वो भी देखने चलते हैं। आ गए ऊपर, पहले माथ है अब आ गए ऊपर। भाई कमाल, इधर कोई सपोर्ट नहीं है, ये थोड़ा सा डेंजरस है। जो ये थोड़ा सा डेंजरस है,
देख थोड़ा करीब तो आओ, देखो तुम डायरेक्ट नीचे दिख रहा है भाई यहाँ से। ये ग्लास ना हो ना तो बस गया बंदा। देखो तो थोड़ा करीब जाके एंजॉय तो करो। वो देखो सारा समंदर यहाँ से दिख रहा है, पूरा क्लियर फाउंटेन। छोटा सा स्टोर आ गया जहाँ पर सारा बुर्ज खलीफा का सामान पड़ा हुआ है, देख सकते हो आप। सब इनकी प्रिंटिंग हुई भी होती है, कैप्स पे, कप्स पे, बुक पे। ये क्या है जो रियल लग रहा है बट ये आर्टिफिशियल है। तो मैं डर गया हूँ, मैं अपने सच में टूट गया कुछ। लिटरली मैं डर गया, ये तो टूटने की आवाज आ रही है। नो जंपिंग, नो सिटिंग, नो रनिंग, स्लो स्लो आना, जो ये तो साउंड दे रहा टूटने का। भाई मैं तो बाकी डर गया था अभी, मैं बोल रहा हूँ ये फेक है, वो है वो, उसने डरा दिया मुझे। जाके देखे हम भी, फील आएगा टूटने का। 2, 3 बस यार ये टूटने वाला सीन ना हो, जो बहुत डर लगता है अगर टूटने वाला सीन आ गया तो। प्लीज डरना नहीं। ओए भाई, ओ भाई ये तो डरा रहा है, वहां क्रैक आया। ये क्या है, ये कैमरा शैमरा है। माँ साहब कैसे इतने करीब करीब से चल रहे हैं, मैं इतना दूर खड़ी भी हुई देख सकते हैं माँ से। मुझे तो मजा आ रहा है देखने में, एक्सप्लोर करने में। आप करो एक्सप्लोर, आप जाओ देखो, जाओ। आप बोल रही थी बुर्ज खलीफा टॉप पे जाना है, टॉप पे जाना है, तो फिर देखो ना फिर। ऐसी तो बहुत डर रही है यार, इसको लाने का फायदा ही नहीं है। ये देखो, ये देखो। सच्ची में बेटा क्या देखी, वो बिल्डिंग है कितनी छोटी छोटी। सो यार तुम बुर्ज अब तो दिख भी नहीं रहा, वो सामने बहुत दूर है, नहीं दिख रहा। देखो उस बिल्डिंग में पूरा पूल बना हुआ है, इन्फिनिटी पूल लग रहा है मुझे। इन्फिनिटी पूल से ना ये पूरा बुर्ज खलीफा दिख रहा होगा उनको। बस यही है, हाँ बस यही है भाई। डर तो इतना लग रहा है और बोलिए बस यही है। हाँ बस व्यू यही तो देखना होता, और क्या है। बस यहाँ से आपको बिल्डिंग दिख रही है, रोड दिख रहे हैं और समंदर दिख रहा है, और बस आप बहुत ज्यादा हाइट पर हो जस्ट, और इतना कुछ खास थोड़ी होता। अब यहाँ पर क्या झूले भी रखे होंगे, नहीं रख सकते ना, बिल्डिंग है। तो गाइस घूम लिया बुर्ज खलीफा, अबे भाई वापसी जाने की तैयारी। फास्टेस्ट लिफ्ट एवर, बड़ी स्पीड में जा रही है। अब मेरा कान बंद हो गया। आ गए जी ग्राउंड पे, ये देखो भाई ये लिफ्ट अभी ऊपर जा रही है तो लिखा हुआ आ रहा है, ये 125 फ्लोर पे। जब नीचे आएगी तो फिर इसमें लिखा हुआ आ रहा होगा कि नीचे आ रही है। ये देखो नीचे आ रही है कितनी स्पीड में। गाइस ये वो लोग हैं जिन्होंने मिलकर बुर्ज खलीफा बनाया। मुझे तो सारी कंट्री के लग रहे हैं भाई, ये सारे बड़े बड़े आर्किटेक्ट थे भाई जिनकी ये मेहनत से इतना बड़ी बिल्डिंग बनी। ये भी टीम है भाई, वो भी टीम है, बहुत सारे लोग हैं। ये तो यार ये तो सिर्फ आर्किटेक्ट लगे हुए, बाकी जिन्होंने मेहनत की, मजदूर असल, जिन्होंने कड़ी धूप में काम किया है इस बिल्डिंग के ऊपर, वो सबसे ज्यादा मेहनती है। इन मजदूरों की बात कर रहा हूँ, ये देखो किस तरह कितनी बड़ी बिल्डिंग में उन्होंने काम किया था। रुको रुको, फिर उल्टा आ रहे। ऊपर जब जा रहे थे सबको एक बैग पसंद आया था यहाँ पर, तो वो बैग लेते हैं। कौन सा था, ये वाला? दिखाओ, अच्छा लग रहा है। ऑल्सो दिस, थैंक यू। बाहर जा रहे थे मुझे दिख गया भाई योगर्ट लैंड, हमने बोला हमारे कराची में है भाई आइसी योगर्ट, तो चेक करते हैं भाई दुबई में कैसे मिलती है, कराची में बेहतर है या दुबई में। विच वन इज बेस्ट फ्लेवर इन योगर्ट लैंड? एवरीथिंग इज अमेजिंग। ओके लेट मी चेक फर्स्ट, देन आई विल डिसाइड व्हाट्स द बेस्ट। ये कौन कौन से हैं भाई यहाँ पर? फ्रेंच वेनिला पिकेन, डच चॉकलेट, चीज केक फ्लेवर, अल्फेंसो मैंगो टार्ट। कौन सा अच्छा है सबसे? ओनली स्ट्रॉबेरी। उर्दू समझ आती है? ओके आई ऑल्सो लाइक। ओ भाई कहाँ करना है? ओ आजा 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 आजा, अरे ओ आजा 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 आजा। ओके जी तो स्ट्रॉबेरी ले चुका हूँ मैं। आईसी अगर भी स्ट्रॉबेरी है ना, तो चेक करते कौन सा बेस्ट। ना 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 ना, ये नहीं डाल, यहाँ पर भी टॉपिंग्स आ गई हैं, बट यहाँ पर जो है देखो टॉपिंग्स कम है। आईसी अगर बहुत ज्यादा टॉपिंग्स हैं, ये स्ट्रॉबेरी पे स्ट्रॉबेरी ही डलती है तो फ्लेवर आएगा। हमारे जो ग्राम बने वो बने 165 और पैसे बने हैं 18 धरम। इसको कैलकुलेट करते हैं पाकिस्तानी रुपए में कितनी बनी है इस आइसक्रीम के पैसे। मैंने चेक किया 1800 धरम बनते हैं भाई, पूरे के पूरे 1400 रुपए पाकिस्तानी, इतने से कप के 1400 रुपए। इसके पता तुम्हें कितने बनते हैं आईसी गुड़ पे? 200 रुपए या 300 रुपए? यहाँ पर 1400 रुपए बन गए हमारे। ओए होए होए, अब जरा टेस्ट भी कर लेते हैं भाई हम। नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन, जीरो कंपैरिजन गाइस। वो अच्छी है, अच्छी। ये तुम खुद बताओगी, ये मैं नहीं बता रहा। उसमें ना जो टेस्ट आता है ना खट्टा खट्टा योगर्ट का, इसमें तो योगर्ट आई नहीं है, सिर्फ नाम का योगर्ट है, दूध आ रहा है ना सिर्फ। इसको मैं रेट दूंगा ना तो 5 out of 10 दूंगा, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स अच्छे यूज हुए हैं जिससे पता लग रहा है कि हाँ भाई चीजें अच्छी हैं, बट टेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, जो कि एक योगर्ट का टेस्ट आता है खट्टापन जो आईसी योगर्ट में आता है। सो मैंने लाजमी करना था, मुझे तो कहीं पाकिस्तान में और जगह मिली नहीं आईसी योगर्ट की तरह कोई दूसरी आइसक्रीम,
बट मुझे यहाँ दिख गई। मैंने बोला कि चेक करता हूँ यार कि क्या रिजल्ट आता है। पता चला कितना अच्छा टेस्ट मिलता है पाकिस्तान में यार। पाकिस्तान बेस्ट है। ओके सो आगे पार्किंग में और ये मास्क की शॉपिंग जरा आप खोल दीजिए। गाइस ये आइसक्रीम खाने से पहले पहले हमने इतनी शॉपिंग की है और इसमें कुछ भी मेरा नहीं है। एवरीथिंग इज मास्क। मॉल में ही थे तो हमें फिर शॉपिंग की एक शॉप मिल गई बहुत अच्छी सी, तो फिर हमने शॉपिंग कर ली अपने कपड़ों की। समझो शायद मैंने बकरीद की शॉपिंग कर ली क्योंकि अभी जब कराची जाएंगे तो हमें टाइम नहीं मिलेगा यार शॉपिंग करने का। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मास्क को पहली बार लाई हूँ कि मास्क ये आपने लेना है ये लेना है, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं पहली बार आई, लग रहा मास्क पहली बार आया। नहीं ये मेरी वाइफ जो है ना बहुत बहुत केयर करती है मेरी यार, लिटरली इसने पूरी ट्रिप पे मेरा केयर किया है। बस इसने थोड़ी सी अपने मेकअप का सामान लिया, बाकी इसने अपना कुछ भी नहीं लिया यार। मुझे लग रहा था कि बहुत सारी शॉपिंग करेगी बट इसने सब के लिए शॉपिंग की और इवन मेरे लिए भी शॉपिंग की, अपने लिए नहीं कुछ लिया। मैं एक बैग लिया जो आपने लाया। बस यही होता है, देखो आपको पता है जब चलता है जब आप टूर पे जाते हो घूमने फिरने जाते हो सफर पे जाते हो तो आपको अपने पार्टनर का पता लगता है, तो मेरा पार्टनर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो अब चलते हैं डायरेक्ट होटल। भाई ने फिर मंडी के व्लॉग ही शुरू कर दी। दो दिन गए हम लोग सिर्फ गाय देखने, आज हम जा रहे हैं यार ये फाइनली यार इसे मिलना मैंने यार दिल बना के दिमाग में लोग ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं मिलना मैंने इसे इरादा बनाया है। अच्छा कौन है ये पता नहीं कौन है, पाकिस्तान में रहता है व्लॉग व्लॉग बनाता है, नंबर वन है शायद अभी। ओ भाई यहाँ पर तो पूरा का पूरा जो है ना शेख जायद रोड ब्लॉक पड़ा हुआ, जैसे कराची में शाम के टाइम रश होता है वैसे यहाँ पर भी। पहुँच गए जी पहुँच गए, सनसेट कितना प्यारा हो रहा है। जा खुल जा, अरे खुल ही नहीं रहा भाई, खुल गया। ओके जी तो भाई इस व्लॉग को फिर इधर से एंड करते हैं यार, दुबई को कहने वाले हम अलविदा विदा। मजा आया भाई दुबई के अंदर बहुत हमें, और इस व्लॉग को फिर इधर से ही एंड। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट 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 कर दो यार, मुझे बहुत अच्छा लगा घूमने में और सब को घुमाने में। अच्छा लगा दुबई और मुझे बहुत मजा आया घूमने में, बहुत सारी चीजें देखी। यस यस यस, जो रह गई है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो रह गई है भाई आप लोग बता दो क्या क्या रह गया दुबई में हमारा। मुझे वैसे तो पता है क्या रह गया, पार्क जो मेरा रह गया हमारा सबसे स्पेशल होता है जो पार्क रह गए काफी, ये काफी चीजें रह गई है तो हम वो नेक्स्ट टाइम एक्सप्लोर करेंगे बेबी के साथ। भाई ये मेरा वादा है कि अगली बार हम बेबी को लाजमी लेकर आएंगे। तो यस लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट मस्ट मस्ट। कल तो भाई हमें अपने जानवर से मिलना है और हमें अपने बेबी से मिलना है, सो वो खुशी जो है ना वो अभी से स्टार्ट हो गई है भाई। जब आ रहे थे यहाँ पर तो हम थोड़े से अफसोस थे कि यार कि उनको छोड़कर आ रहे हैं, बट फिर अब जब जा रहे हैं तो वो खुशी अलग है यार। तो बस लाइक करो और कैसा लगा भाई ब्लॉग आपको ये तो मस्त बताना। अल्लाह हाफिज़।